बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रूकफील्ड कॉलेज से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अगले लेक्चर के साथ अहमदपुरम आपसे मुखातिब हूँ। हमारी बात जो है वो डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के चैप्टर पे शुरू हो चुकी हुई थी और हमने कल डाटा कम्युनिकेशन सेटअप और उसके एलिमेंट्स को देखा था। आज हम उससे आगे उस चैप्टर को बढ़ाते हैं और आज भी हम एक आसान सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है ट्रांसमिशन मॉड्स इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। जो बच्चे इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस पढ़ चुके हैं, मैं फर्स्ट ईयर की बुक में भी ये टॉपिक मौजूद है ट्रांसमिशन मॉड्स के नाम से ही। तो आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान सी बात है। कल हम बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में एक कैरियर होता है, यानी जो डाटा को कैरी करने के लिए इस्तेमाल होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिस पे डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। और जब तक कैरियर नहीं होगा, जाहिर है डाटा को कैरी करने के लिए आपके पास कोई मीडियम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो डाटा किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भेजा जा सकता है। और कल हम ये भी बात कर रहे थे कि इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क के वो मीडियम जो है वो कैसा होगा। कम्युनिकेशन नेटवर्क आप जिस तरह का बना रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप जो मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मीडिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो मीडिया कैसा आपने इंस्टॉल करना है। बाद अवकात हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो दो तरफा डाटा भेजने की होती है, यानी हमें एक ऐसा नेटवर्क चाहिए होता है जिस पर एक ही मीडियम पर डाटा आए भी और जाए भी, हम सेंड भी कर सकें, रिसीव भी कर सकें। बाद अवकात हमारी ज़रूरत नेटवर्क के मुताबिक ऐसी होती है कि डाटा सिर्फ सेंड किया जाए, रिसीव करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग होती है अक्सर टीवी चैनल्स की। अच्छा, ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट जो है इसमें क्या फ़र्क होता है? आमतौर पे आप ये लफ्ज़ बहुत सुनते हैं ब्रॉडकास्ट, वैसे तो हमारे ये टॉपिक में नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये टर्म मैं इस चैप्टर में इस्तेमाल करता रहूँगा बहुत बार, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉडकास्ट किसको कहते हैं। जब किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को टारगेट करके उस तक डाटा भेजा जाता है और उसी का आईपी एड्रेस यूज होता है डाटा को भेजने के लिए, तो उसको हम यूनिकास्टिंग कहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस, जिस तरह मैं अपने लैपटॉप को एक वायर के ज़रिए से एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दूँ और मैं यहाँ से उस वायर के ज़रिए उस कंप्यूटर तक डाटा भेजूँ, तो इसको मैं यूनिकास्टिंग कहूँगा। इसी तरह से जब मैं अपने मोबाइल फ़ोन से किसी एक पर्टिकुलर नंबर पर कॉल मिलाता हूँ, तो वो किसी एक नंबर पर जाके कॉल रिसीव होती है और उस पर डाटा सेंड करने के लिए उसी का आईपी एड्रेस इस्तेमाल होता है। सब नंबर्स पे तो जैज की, फ़र्ज करें कि जैज के नेटवर्क से अगर मैं कॉल मिला रहा हूँ, तो वो जैज के सब नंबर्स पे तो रिंग नहीं जाती ना, तो उसको एक नंबर पे जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको यूनिकास्टिंग कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में सिग्नल को एक्सपैंड कर दिया जाता है और उस एक्सपेंडेड एरिया के अंदर, यानी जिस एरिया में आप सिग्नल को एक्सपेंड कर रहे हैं, उस एरिया में जितनी भी डिवाइसेज जो हैं वो ऐसी मौजूद हैं जो सिग्नल को ऑपरेट कर सकती हैं, देख सकती हैं, तो वो उनको उसको देख सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप सुनते हैं कि पीटीवी इतने बजे मैच लाइव टेलीकास्ट करेगा तो या ब्रॉडकास्ट करेगा। अब ब्रॉडकास्ट में ये होता है कि पीटीवी जो है वो अपने टावर के ज़रिए से सिग्नल्स को एक्सपैंड कर देता है, जो जाहिर है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन सा मीडिया कितनी दूर तक सिग्नल्स को ले जा सकता है, लेकिन वो एक खास एरिया के अंदर जो है वो टावर उसको एक्सपैंड कर देता है उस सिग्नल को। और उस एरिया के अंदर अगर आपके पास टेलीविजन सेट या इस तरह की कोई डिवाइस जो है वो मौजूद है जो उस सिग्नल को कैप्चर कर सकती है, तो आप उसको देख सकते हैं। यानी उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर टारगेटेड आईपी एड्रेस पे उस डाटा को नहीं भेजा, बल्कि क्या कर दिया, सिग्नल को एक्सपैंड कर दिया, हर डिवाइस तक वो पहुंच सकता है, इसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट आमतौर पे जब चैनल्स करते हैं तो वो उनका मकसद वापस डाटा रिसीव करना नहीं होता। आप देखें ना कि आप जब पीटीवी देख रहे हैं फर्ज करें या कोई भी टीवी चैनल देख रहे हैं, तो आप सिग्नल को सिर्फ रिसीव कर रहे होते हैं, आप उसी ट्रांसमिशन मीडिया को इस्तेमाल करते हुए क्या डाटा वापस भेजते हैं? क्या आपने कभी अपने टेलीविज़न के पास जो है वो अपना चेहरा करके कहा कि नूर जहाँ का गाना लगा दो? नहीं, ऐसा नहीं होता, सिग्नल जो है वो वापस रिसीव नहीं हो रहा होता। तो इट डिपेंड्स, रेडियो ट्रांसमिशन भी जो है वो एक तरफा ट्रांसमिशन होती है,
तो ये तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। अगर आप मीडियम भी वैसा जो है वो इस्तेमाल करेंगे, दो तरफा डाटा ले जाता है या एक तरफा डाटा ले जाता है, क्योंकि इसमें कॉस्ट का भी डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसा मीडिया जो दो तरफा डाटा को कैरी करेगा वो कॉस्टली भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि होता है। और इसी तरह से जो एक तरफा डाटा लेके जाएगा तो उसकी एक अलग किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उस हवाले से हम ट्रांसमिशन मोड्स जो हैं उनको देखते हैं कि ये क्या होते हैं। ट्रांसमिशन मोड मोड रेफर्स टू द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क। तो वो तरीका का वो मैकेनिज्म जिससे आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा एक नेटवर्क में पहुंचाते हैं, उसी को हम नेटवर्क ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन मोड, और दीज मोड डायरेक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इससे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की डायरेक्शन जो है वो पता चलती है, जो यानी किस तरफ डाटा का बहाव है, दोनों अतराफ में है, एक तरफा है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स मोड होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड होता है और फुल डुप्लेक्स मोड होता है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला जो है वो रिक्वायर्ड है अपने नेटवर्क के अंदर, आप जो नेटवर्क बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सिंप्लेक्स मोड में डाटा एक तरफा ट्रांसमिशन होती है जी इसमें, और डाटा अगर सेंड किया जा रहा है तो रिसीव नहीं होता, रिसीव किया जा रहा है तो सेंड नहीं होता। और आप मीडिया भी फिर वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, जो आप कम्युनिकेशन मीडियम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो आप इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं नेटवर्क बनाने के लिए, वो एक तरफा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने अभी इसके कुछ एग्जांपल्स भी दी कि रेडियो ट्रांसमीटर्स जो हैं वो आमतौर पे जो रेडियो ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो एंटेनास इस्तेमाल करते हैं ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स, ये एक तरफा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो उसमें डाटा सिर्फ सेंड किया जाता है, उसमें रिसीव नहीं किया जाता। तो जब इस तरह की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। तो कहते हैं दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड डाटा कैन बी सेंट ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, वी कैन नॉट सेंड अ मैसेज बैक और टू द सेंडर। तो जो हमें डाटा भेज रहा है उसको हम वापस नहीं भेज सकते, मैसेज यूनिडायरेक्शनल। A communication is done in simplex mode, a simplex systems where we just need to send command signals. तो यहाँ इस तरह का नेटवर्क वहाँ पर हम बनाएंगे जाहिर है, जहाँ पर सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन भेजने की ज़रूरत है या सिर्फ रिसीव करने की ज़रूरत है। इसकी मिसाल कीबोर्ड और आपके कंप्यूटर सिस्टम यानी जो सिस्टम यूनिट है उसके दरम्यान में भी ट्रांसमिशन है। आप कीबोर्ड जब अपने सिस्टम यूनिट से अटैच करते हैं तो कीबोर्ड हमेशा सिर्फ डाटा भेजने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, उस पर डाटा रिसीव नहीं होता आपको, बिकॉज इट्स एन इनपुट डिवाइस नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो उसकी ट्रांसमिशन हमेशा क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। सो एग्जांपल्स ऑफ सिंप्लेक्स मोड आर लाउड स्पीकर्स डेफिनेटली सिर्फ आउटपुट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का मैंने जिक्र किया, ठीक है जी, टेलीविजन एंड रिमोट, और टेलीविजन और रिमोट के दरम्यान में ट्रांसमिशन, रिमोट सिर्फ सिग्नल भेजता है रिसीव नहीं करता। और इसी तरह कीबोर्ड और मॉनिटर की जो, अच्छा मॉनिटर अगर टच स्क्रीन है तो फिर वो यूनिडायरेक्शनल नहीं है। मॉनिटर जो टच स्क्रीन होता है आपको पता, वो इनपुट भी दे रहा होता है और आउटपुट भी रिसीव कर रहा होता है, तो वो बाई डायरेक्शनल होता है, इसको आपको याद रखिएगा। हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसमें डाटा भेजा भी जाता है और रिसीव भी किया जाता है, बट नॉट एट द सेम टाइम। लेकिन ये दोनों काम एक ही वक्त में नहीं हो सकते हैं, एक काम एक वक्त में होगा। आपका ट्रांसमिशन मीडिया ऐसा लगा हुआ होता है जो दोनों अतराफ डाटा को ले जा सकता है, और यानी डाटा रिसीव भी कर सकता है, डाटा जो है वो सेंड भी कर सकता है, बट ट्रांसमिशन लाइन्स जो है वो लिमिटेड होती हैं, जिसकी वजह से एक वक्त में सिर्फ एक काम हो सकता है। यानी जब डाटा रिसीव हो रहा होगा तो भेजा नहीं जाएगा, जब भेजा जा रहा होगा तो फिर रिसीव नहीं होगा, ठीक है। दोनों अतराफ में डाटा सेंड किया जा सकता है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस के लिमिटेड होने की वजह से एक वक्त में एक काम। जैसे वॉकी टॉकी जो सिक्योरिटी इदारे इस्तेमाल करते हैं, पुलिस आर्मी वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं उसको, आपने उसको देखा होगा कि वो जब सिग्नल रिसीव हो रहा होता है दूसरी तरफ से कोई बोल रहा होता है तो इधर से फिर नहीं बोला जाता, और जब इधर से बात करेंगे तो फिर दूसरी तरफ से, उसके लिए फिर वो एक सिग्नल खास किस्म का इस्तेमाल करते हैं जिसको वो एंड में बोलते हैं ओवर।
अपनी बात करने के बाद आपने ये नोटिस किया होगा कि अपनी बात करने के बाद वो अपना मैसेज देने के बाद एंड में बोलते हैं ओवर, जिसका मतलब ये होता है कि इस तरफ की ट्रांसमिशन जो है वो ओवर हो चुकी हुई है, अब दूसरी तरफ से अगर कोई मैसेज है तो वो बोला जाए। तो क्योंकि अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो वो सिग्नल कोलाइड करेंगे और दोनों तक सिग्नल नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि एक वक्त में एक बंदा जो है वो इन्फॉर्मेशन भेजे और फिर दूसरे को सिग्नल रिसीव हो कि उस तरफ से ट्रांसमिशन बंद हो चुकी हुई है, अब ट्रांसमिशन को शुरू किया जा सकता है। तो हाफ डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन मीन्स दैट डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन ऑन अ सिंगल कैरियर बट नॉट एट द सेम टाइम। तो कैरियर क्योंकि सिंगल है, आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो लिमिटेड हैं, तो ये एक साथ एक ही वक्त में नहीं हो सकता। अगर नेटवर्क की रिक्वायरमेंट ऐसी है तो फिर आप ऐसा ही नेटवर्क बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क यूजिंग अ टेक्नोलॉजी दैट हैज हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन वन वर्क स्टेशन कैन सेंड डाटा on the line and then immediately receive data on the line from the same direction in which data was just transmitted। तो एक local area network के अंदर अगर एक जो workstation है वो data send कर रहा है तो वो receive उसी वक्त करेगा जब इधर से send करना ख़त्म करेगा, at the same time वो उसको receive नहीं कर सकता। Hence half duplex transmission implies a bi-directional line or one that can carry data in both directions। तो है तो ये बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ डाटा जा सकता है, लेकिन बात फिर वही है बट डाटा कैन बी सेंट इन ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम। एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स वॉकी टकी की मैं बात कर रहा था, और एम एच द मैसेज इज सेंट वन एट अ टाइम बट मैसेज आर सेंट इन बोथ डायरेक्शंस। तो डायग्राम से भी आप इस चीज़ को जो है वो देख सकते हैं। फिर फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब आप समझ गए होंगे कि इसमें ट्रांसमिशन दो तरफा होती है और एट द सेम टाइम होती है, क्योंकि डाटा ले जाने के लिए और ट्रांसमिशन लाइन इस्तेमाल होती है और डाटा रिसीव करने के लिए और ट्रांसमिशन लाइन इस्तेमाल होती है। जैसे आप टेलीफोन लाइन जो ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन है, अगर आप उसको देखते हैं टेलीफोन की वायर को, तो उस पर दो वायर्स होती हैं ना, दो वायर्स का कपल होता है यानी उसके ऊपर। तो वो इसलिए कि एक ट्रांसमिशन लाइन जो है वो डाटा ले जाने के लिए और दूसरी ट्रांसमिशन लाइन डाटा को जो सिंगल कॉपर वायर उसके अंदर लगी होती है, दो कॉपर वायर्स का पेयर होता है, इधर भी सिंगल, तो वो इकट्ठी दो तारें जो हैं वो बनी हुई होती हैं, एक डाटा ले जाने के लिए और एक जो है वो ले आने के लिए। तो अगर इस तरह का मीडियम है तो फिर जाहिर है कि एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन हो सकती है। तो अगर आपको इस तरह का नेटवर्क बनाना है, आपकी जो नेटवर्क रिक्वायरमेंट है वो ऐसी है, तो फिर उसमें आप इस तरह का मीडियम इस्तेमाल करेंगे, तो फुल डुप्लेक्स मोड को जो सपोर्ट करेगा। और मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन भी इसकी एग्जांपल है, मोबाइल फ़ोन पे आप एट द सेम टाइम जो सिग्नल रिसीव भी करते हैं और सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फुल डुप्लेक्स सिस्टम वी कैन सेंड डाटा इन बोथ डायरेक्शंस एज इट इज़ बाई डायरेक्शनल एट द सेम टाइम ऑल ऑफ द वर्ड्स डाटा कैन बी इन अदर वर्ड्स डाटा कैन बी सेंड इन बोथ डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ जो है वो डाटा भेजा और रिसीव किया जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड टेलीफोन नेटवर्क है, देयर इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्संस बाय अ टेलीफोन लाइन, तो एट द सेम टाइम जो है वो आप बात कर भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं, यूजिंग विच बोथ कैन टॉक एंड लिसन एट द सेम टाइम। सो आप देख रहे हैं डायग्राम से भी कि डायरेक्शन ऑफ डाटा बोथ साइडेड हो सकती है ऑन द सेम कम्युनिकेशन मीडियम। तो ये तो था डाटा ट्रांसमिशन मोड, विच कैन बी ए लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, और पहला जो है वो भी हो सकता था एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया था, यानी डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आ सकता है, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन ये भी हो सकता है जो हमने देखा। आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन पर इंग्लिश हमारा पेपर होता है, तो बात कर रहे हैं हम उस हवाले से, तो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। इसमें क्या फर्क होता है सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में? देखिए अभी हमने ट्रांसमिशन मोड्स की बात की, वो तो ओवरऑल एक जनरली हम उस पर गुफ्तगू कर रहे थे कि दोनों एतराफ़ में डाटा जाएगा या एक तरफा डाटा जाएगा कम्युनिकेशन मीडियम पर। अब ज़रा हम उस पर जो डाटा सेंड हो रहा है उसके फॉर्मेट की तरफ आते हैं, जो आपका कम्युनिकेशन मीडियम है उसके ऊपर डाटा कैसे सेंड हो रहा है, किस फॉर्मेट में सेंड हो रहा है, अगर आप और बारीक मिनी से उसको हम देखते हैं।
दो किस्म के ट्रांसमिशन मोड होते हैं जी। अगर इस हवाले से हम बात करें डाटा के सेंडिंग फॉर्मेट के हवाले से बात करेंगे, आप किस फॉर्मेट में उसको भेज रहे हैं, एक सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है और दूसरा एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है। अब जो सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है, नाम से ही जाहिर है कि ये सिंक्रोनाइज्ड होती है, यानी ये बाकायदा गैप्स की सूरत में होती है और ब्लॉक बाय ब्लॉक, फ्रेम बाय फ्रेम होती है, और एक फ्रेम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, विदाउट एनी गैप जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। अच्छा, ये फ्रेम्स में डाटा क्यों ट्रांसफर होता है एक नेटवर्क के अंदर, ये आपने अक्सर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज जब हम पढ़ते हैं तो आपको यही बताया जाता है हमेशा कि डाटा जो है वो फ्रेम्स की सूरत में ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्क्स के अंदर, यानी बाकायदा एक प्री डिफाइंड साइज का फ्रेम होता है जिसमें नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, ठीक है, और वो 8 बिट भी हो सकता है, वो 16 बिट भी हो सकता है, 32 बिट भी, 64 बिट भी हो सकता है, डिपेंड्स। तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ बिट्स उसमें जो है वो मौजूद होते हैं और वो फ्रेम जो है वो विदाउट एनी गैप जो है वो ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि आपका जो डाटा है वो बाकायदा कैरेक्टर्स की सूरत में भी आप उसको कह सकते हैं कि ट्रांसफर हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो वंस कम्युनिकेशन इज स्टार्टेड तो एंड तब होती है जब आपके पास डाटा ख़त्म हो जाता है, अगर उस मीडियम पे कोई कम्युनिकेशन एरर नहीं है। एरर आ गया, कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई, वो तो और बात है उसमें किसी खराबी की वजह से, वरना कम्युनिकेशन एक बार शुरू होती है फ्रेम बाय फ्रेम डाटा जो है वो रिसीव होना शुरू हो जाता है विदाउट एनी गैप जब तक डाटा ख़त्म नहीं होता, और यूँ ज़्यादा फास्टर वे में डाटा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। कहते हैं सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन डाटा इज सेंट फ्रॉम ब्लॉक्स और फ्रेम। अच्छा, ये जो फ्रेम होते हैं बाकायदा तौर पे इन फ्रेम्स की डिवीजन होती है, और उस डिटेल में इस वक्त मैं नहीं जा रहा, इंशाल्लाह फिर इस चैप्टर में ज़रूर जाएंगे इस डिटेल में कि वो फ्रेम में जो बिट्स होते हैं वो क्या सारा डाटा होता है या उसमें कुछ और भी बिट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो कहते हैं दिस ट्रांसमिशन इज फुल डुप्लेक्स टाइप। आमतौर पर जो सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन होती है, ये अभी हमने पढ़ा फुल डुप्लेक्स मोड किसको कहते हैं, जिसमें डाटा बोथ साइड्स पे जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, और सिंक्रोनाइजेशन इज कंपलसरी। और कहते हैं इन सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन देयर इज नो गैप प्रेजेंट बिटवीन डाटा, तो इसमें गैप नहीं होता, एक के बाद दूसरा फ्रेम अटैच होता है ट्रांसमिशन के अंदर, इट इज मोर एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल देन एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डायग्राम से भी आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि किस तरह से ट्रांसमिशन होती है सिंक्रोनियस मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन की जहाँ तक बात है तो ये सिंक्रोनियस से बिल्कुल एक डिफरेंट पैटर्न पे होता है, इसमें कोई प्री डिफाइंड नंबर ऑफ ब्लॉक्स नहीं होता या ब्लॉक जो है उसका कोई प्री डिफाइंड साइज नहीं होता। इसमें ये होता है कि स्टार्ट बिट जो है वो जब पहले लाइन एम्प्टी है ट्रांसमिशन लाइन, तो उस पर एक स्टार्ट बिट रिसीव होता है जिसको इंटरप्रेट जो है वो रिसीविंग मशीन इस तरह से करती है कि अब ट्रांसमिशन जो है इज अबाउट टू बी स्टार्टेड, वो स्टार्ट होने वाली है। जब ट्रांसमिशन लाइन बिल्कुल एम्प्टी होती है और पहला जीरो रिसीव होता है रिसीविंग डिवाइस को, तो वो उसको डेटा बिट नहीं बल्कि उसको एक स्टार्ट सिग्नल कंसिडर करती है, स्टार्ट बिट उसको कहते हैं। उसके बाद जितने भी बिट्स रिसीव होंगे रिसीविंग डिवाइस को, इट विल बी कंसिडर्ड एज डेटा, और वो कोई प्री डिफाइंड साइज नहीं होता कि इतने जो बिट्स हैं उनका एक ग्रुप आएगा या फ्रेम आएगा, वो एक एक करके बिट्स की सूरत में बहुत सारा डाटा जो है वो इकट्ठा रिसीव हो सकता है। हो सकता है उसके बाद फिर एक गैप आ जाए, और ये गैप भी कोई प्री डिफाइंड टाइम पीरियड का नहीं होता कि कितना गैप आएगा, ठीक है, और हो सकता है कि उसमें चंद सेकंड्स का गैप हो, एक सेकंड के कुछ हिस्से का गैप हो, ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर दोबारा अगर ट्रांसमिशन लाइन जो है, अच्छा ट्रांसमिशन लाइन में गैप आने से पहले जो लास्ट बिट रिसीव हुआ है अगर वो 1 होगा तो उसको इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का आखिरी बिट कंसिडर किया जाता है रिसीविंग डिवाइस की जानिब से कि ये जो डाटा सीक्वेंस है ये मुकम्मल हो चुका है, अब और डाटा सीक्वेंस जो है रिसीव होगा। यानी अगर ट्रांसमिशन लाइन खाली है, पहला जीरो रिसीव हुआ है रिसीविंग डिवाइस को, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज स्टार्ट बिट। उसके बाद जितने बिट्स भी आए हैं डाटा के, और उनमें पहले बताया कि कोई प्री डिफाइंड साइज नहीं होगा, और आखिरी बिट अगर 1 रिसीव हुआ है, इसका मतलब ये कि ये सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर एंड अप हो गया, अब नए सीक्वेंस का डाटा जो है वो रिसीव होगा। और अगर आखिरी बिट जो रिसीव हुआ है वो 1 नहीं था, वो 0 था,
और कम्युनिकेशन गैप आ गया तो इट सिंपली मीन्स के नेटवर्क एरर है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन रुक गई है। अगर आखिरी बिट वन होगा तो इसका मतलब ये था कि वो सिंक्रोनाइज वे में आखिरी बिट जो है वो सेंड किया गया था, यानी इसका मतलब ये कि कम्युनिकेशन गैप जो है वो मौजूद था और अब नेक्स्ट जो डाटा रिसीव होगा वो थोड़े गैप के बाद। तो इसमें इरेगुलर गैप्स होते हैं, कोई प्री डिफाइंड जो है वो टाइम पीरियड नहीं होता कि इतनी देर बाद दोबारा डाटा रिसीव होना शुरू हो जाएगा। तो इस किस्म का जो कम्युनिकेशन, इस किस्म की कम्युनिकेशन स्लोअर भी हो सकती है, एरेटिंग भी हो सकती है, और इस किस्म की कम्युनिकेशन जो है ये आम तौर पे हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन में होती है, क्योंकि हाफ डुप्लेक्स के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि कोई पता नहीं है कि कितनी देर एक तरफ से कम्युनिकेशन होती है, उसके बाद दूसरी तरफ से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो एक प्री डिफाइंड टाइम पीरियड नहीं है कि कब आप डाटा रिसीव करेंगे, उसके बाद कितनी देर बाद डाटा रिसीव होगा। हो सकता है सेंडिंग साइड से एक सिग्नल बहुत शॉर्ट साइज का रिसीव हो रहा है और उसके बाद एक लॉन्गर जो सिग्नल है वो रिसीव हो रहा है, तो इसमें ये डिसाइडेड नहीं होता। इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह से काम करता है। इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डाटा इज सेंट फ्रॉम वन इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स या कैरेक्टर्स, और दिस ट्रांसमिशन इज इन हाफ डुप्लेक्स टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। और कहते हैं दिस ट्रांसमिशन स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट जो है वो एडेड होते हैं डाटा के, उसी से पता चलता है कि ये डाटा जो है वो रिसीव होना शुरू हो गया, यहाँ पे जो है वो एंड हो गया, क्योंकि इसमें कोई प्री डिफाइंड साइज का फ्रेम नहीं होता। इन दोनों के दरमियान डिटेल्ड जो कंपैरिजन है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे, और आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, और आपको पता है लेंथी चैप्टर है, इसको हम जितनी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करें तो बेहतर है, लेकिन जाहिर है कि हर चीज़ को हमने बेहतर अंदाज में डिस्कस करना है। अपने सवाल मुझसे पहुँचाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।